मधवापुर प्रखंड मुख्यालय व भारत नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाली बास्की मधवापुर मुख्य सड़क की संकीर्णता के कारण छोटी बड़ी दुर्घटनाएं आम हो गया है। हर दिन कोई न कोई सड़क हादसा होते ही रहता है। बुधवार को जानकी व बिहारी के समीप एक स्कॉर्पियो व कार आपस में टकरा गया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि दोनों वाहन में बैठे लोग बाल बाल बच गए। दुर्घटना के बाद करीब एक घंटे तक जाम रहा, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कार में सवार एक महिला को हल्की चोटें भी आई थी। घंटों जाम रहने के बावजूद मधवापुर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी या घटना स्थल पर पहुंचना शायद मुनासिब नहीं समझे। राहगीर जाम के कारण फंसे रहे। बताते चले कि कार सवार अपने परिवार के साथ मधवापुर माइके से चंपारण जा रही थी। उधर स्कॉर्पियो पर सवार सभी हरलाखी प्रखंड के हेरने की टीम MPL क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच खेलने मधवापुर जा रहा था, जहां बिहारी में यह दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के तुरंत बाद कार सवार के मायके के लोग व MPL टूर्नामेंट के सदस्य की टीम पहुंचकर पहल करते हुए पहले जाम को हटवाया और फिर आपसी सहमति बनाकर वाहन क्षतिग्रस्त क्षतिपूर्ति के आश्वासन के बाद मामला को खत्म किया जा सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क की संकीर्णता के वजह से कई हादसा हो चुका है, कितने लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन विधायक सांसद मंत्री या सरकारी बाबू को इससे कोई मतलब नहीं है, जो इस इलाके के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। कैसे हुआ ये घटना? पूछिए उन लड़के से, वो तो एक बैग इधर से मेरा गाड़ी कट रहा है, वहाँ से कट रहा है। देखिए कितना नीचे है, पूरा साइड है ना भैया। कहाँ से आ रहे थे? हम बॉर्डर से आ रहे हैं अभी, मोबाइल दुकान कहाँ जाना था? हम लोग तो जा रहे हैं चंपारण। सामने से आके ठोक दिया, सीधे आके ठोका। आराम से जा रहे थे, उधर से सीधा सेंटर में आके धाम से मारा ना, ब्रेक मारा ना, साइड काट रहा। ये तो लग रहा है कि स्कॉर्पियो वाले पूरी गलती की। पूरी गलती, आप वीडियो लीजिए, देखिए उसको, पूछिए सारे जनता से पूछिए। हम लोग एकदम आराम से जा रहे थे। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो मधवापुर से आ रहे थे अपने। और जाना कहाँ तक था? जाना हमको बघान तक। अच्छा, पप्पू जी मोबाइल दुकान वाला है ना, उन्हीं के यहाँ से आ रहे। ससुर ममहर है मेरा, मामा जी का घर। और घर कहाँ हुआ आपका? बघान, पश्चिमी चंपारण। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।